लेट्स स्टार्ट न्यू वीडियो। प्यारे बच्चों, और इसमें आपको दिखाएंगे कि क्यूबॉइड कैसे बनाते हैं। और आपके इस क्वेश्चन में बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं कि क्यूबॉइड कैसे बनाते हैं। तो पहले मैं इस तरह के मैं फिगर को बनाना चाह रहा हूँ, कट करके, पेपर को कट करके, है ना सर। पहले तो आप हमको ये बताइए कि क्यूबॉइड और क्यूब अगर फिगर रहेगा तो किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है। यस, इसमें होगा क्या कि इसमें देखिए, इसका मेजरमेंट है ना 1 लिखा है ना, तो इसका जो चारों तरफ का एंगल बना हुआ है यानी सेम साइज का है। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये साइड है, उतना ही बड़ा ये साइड है, उतना ही बड़ा ये साइड है। उसी तरह से सेम 1 जितना बड़ा एरिया है उतना ही 2 है, उतना ही 3 है, उतना ही 4 है, उतना ही 5 एंड 6 है, यानी सभी सरफेस सेम है, इसलिए क्यूबॉइड क्यूब है। और इसका कोई भी एक एरिया अगर अलग होगा दैट कॉल क्यूबॉइड, जिसका उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ कि एक पेपर कट करके और आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग, अगर इस बच्चे को मैं समझा रहा हूँ उससे क्या होगा कि आप भी इस बार इसके माध्यम से आप भी समझ लेंगे और जिनको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो भी समझ लेंगे। एनी क्वेश्चन होगा तो बता दीजिए। वैसे मैं पेपर अभी कट कर रहा हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद फिर आ जाएंगे तो दिखला सकते हैं। इट्स ओके। तो ये भी आप क्यूबॉइड बना रहे हैं। यस, कितना सिंपल है, आप इसको बना सकते हैं। ओके, मैंने इसको कट कर लिया है और कट करने के बाद ये वाला पोर्शन कट कर लिया, फिर इसी के सामने से हमें ये पोर्शन कट करना है। ओके, फिर यहाँ से ये पोर्शन कट करना है, तो मैं कट करते जाता हूँ ताकि आप भी खुद से कट करके सीख सकते हो। अरे कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा मेहनत करो ना, दिमाग को अपग्रेड करो। आप लोग का मैथ होता है ना, कोई डिफिकल्ट होता नहीं, खाली सोच ले तो भारी है सर नहीं बनता, इसलिए आप लोग को ऐसा लगता है, बट होता नहीं। टेंथ तक के मैथ में केवल जोड़ घटाओ गुणा भाग अगर आप अच्छे से जान रहे हो ना, तो उसके लैंग्वेज को पकड़ो, आप फटाफट बना डालो, कुछ नहीं है। तो लैंग्वेज को पकड़ने में जो प्रॉब्लम है, ओके, ये उल्टा हो गया तो मैं ऐसे वैसे कर लिया, ठीक है। अब इसको फटाफट हम करते हैं, बोलने का काम करते हैं। सर इसमें तो सारे के सारे शेप्स डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब कि सर ये क्यूबॉइड हुआ। यस, क्यूबॉइड हुआ। देखो यहाँ पर से इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, उसमें से इतना बड़ा ये हो गया, उसके बाद इसका उतना ही पार्ट मैंने ये मोड़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद इसको थोड़ा विजुलाइज करो, फटाफट हो गया आपका क्यूबॉइड, ये आपका विजुलाइजेशन शेप हो गया। अब इसमें जो भी पूछ रहा है क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, उसका आंसर भी दे सकते हो। चलो इसको मैं कवर कर लूँ। यस, लग रहा है क्या उस तरह का है? यस सर, यस, फुली क्यूबॉइड लग रहा है सर। हो गया? यस सर। तो एक इस तरह से आप विजुलाइज, ये माइंड में विजुलाइज कर सकते हो। मैंने पेपर कट के बताया, करके बताया ताकि आप समझ भी सको, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें मेहनत कर दिया है। पॉज करिए वीडियो को, थोड़ा पॉज कर दिए। इस तरह से हमारा ये क्यूबॉइड रेडी है, ओके, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 मीटर कितना हो गया है हाइट, या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लमसम हाइट है, ये बहाड़ा हाइट हो गया। उसके बाद ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई, बेस लंबाई, और उसके बाद 2 सेंटीमीटर इसकी बेस की चौड़ाई हो गई और हाइट हो गई 1 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका क्यूब रेडी हो गया। सर तो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे इससे रिलेटेड? इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि यह शेप आपको बनाना है, विजुलाइज करना है, और इसमें नंबरिंग कर दिया, जैसे क्यूब में दिया गया था ना नंबर। हाँ जी, यहाँ पे दिया हुआ। हाँ, ये सेम क्वेश्चन, तो इसमें नंबर दिया गया था, तो हो सकता है इससे पूछा जाए कि इसका कौन से पार्ट में कौन सा नंबर है। सर तो जैसा कि आप वीडियो में बताया कि क्यूब में सारे शेप जितने स्क्वायर होंगे वो सारे के सारे सेम इक्वल साइज शेप के होंगे, स्क्वायर के फेसेस सेम होंगे। हाँ, और क्यूबॉइड में थोड़ा किसी का बड़ा होगा, कोई एक अलग हो सकता है। अच्छा, तो तब जाके वो क्यूबॉइड हो जाता है। हो सकता है लेंथ और बेस सेम रहे बट उसका हाइट अलग रहे, हाइट और लेंथ सेम रहे बट उसका बेस ये ब्रेथ जो है वो अलग रहे, कोई एक डायमेंशन अलग होगा, दैट कॉल क्यूबॉइड। और ये यहाँ पर दिया गया है, अब इसको लेट्स ट्राई करो। थैंक यू सो मच सर बताने के लिए। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ओके।